भारत देश में इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है। हमारे साथ मौजूद होंगे अभी डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी। अभी आप 52 डिग्री बोल रहे हैं, इसका मतलब अगले साल ये 56 डिग्री होगा। दैट मींस वो एक ऐसा, इसे कहते हैं गोल्डी लॉक जोन। नमस्कार, नेशनल खबर में आपका बहुत स्वागत है और मैं प्रज्ञा झा। आज के इस खास प्रोग्राम का मकसद है गर्मी जो लगातार बढ़ रही है उसके बारे में आपको बताना कि इसके पीछे क्या वजह है और साथ ही प्रिवेंशन कैसे लिया जा सकता है। आप देख रहे होंगे कि देश के अलग अलग राज्यों में 52 डिग्री तक गर्मी जा रही है। इसके पीछे क्या कारण है कि हर साल ये गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, इसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, क्या वजह रही है इसके पीछे, और अगले साल जो गर्मी होगी हो सकता है वो इससे भी ज़्यादा गर्म हो। भारत देश में इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है, जानकारी लेते हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे अभी डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी, जिन्हें किसी भी तरीके की परिचय की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सभी डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। एंड हीट वेव को लेकर जो है आपकी एक पहले ही हम प्रोग्राम जो है वहाँ हमारे चैनल पर है, काफ़ी सारे लोग देख भी चुके हैं, लेकिन सबसे पहले सवाल यही है कि आखिर क्यों इतनी तेज़ी से गर्मी बढ़ रही है, आपको क्या लगता है इस पर? देखिए, अगर आप अपने जब से आप कॉन्शियसनेस में हैं और जब से आप अवेयर हैं, बहुत छोटा बच्चा वो वाली मेमोरी तो आपकी नहीं होगी, लेकिन बचपन से आप देखेंगे तो लगभग एक टाइम था जब गर्मी में गर्मी पड़ती, सर्दी में सर्दी पड़ती है, और वो कंसिस्टेंट रहता है। पिछले 3-4 साल 5 साल में ये देखा होगा कि वो ट्रेंड में हर साल इट इज़ वर्स देन द प्रीवियस ईयर। अभी आप 52 डिग्री बोल रहे हैं, इसका मतलब अगले साल ये 56 डिग्री होगा। दैट मीन्स वो एक ऐसा, इसे कहते हैं गोल्डी लॉक जोन मेडिकल टर्म में। गोल्डी लॉक जोन का मतलब होता है जैसे पृथ्वी घूमता है ना, तो पृथ्वी में जिंदगी है, बिकॉज ये पृथ्वी जहाँ पर स्थित है अर्थ से उतनी दूरी बनाए, ना तो बहुत गर्मी ना बहुत ठंडी। मरकरी है इतना पास में, बहुत गर्म है, तो वहाँ जीव नहीं पनप सकते। प्लूटो इतना दूर है कि बहुत ठंड, जुपिटर इतना दूर है कि बहुत ठंड, धूप ही नहीं है, तो वहाँ पे भी लाइफ नहीं हो सकती। लाइफ हो सकती है जब ना बहुत गर्मी ना बहुत ठंडी। इसे बोलते हैं गोल्डी लॉक जोन, एक जोन जो तुम ना, जो लाइफ को जिंदा रखने के लिए पॉसिबल है, एक एक गर्म और ठंड के बीच का एक माहौल पहले, है ना। जैसे मार्स प्लैनेट, वो भी गोल्डी लॉक जोन में आता है, राइट। तो इसलिए मार्स में एक उम्मीद की जाती है यहाँ जीव बन सकते हैं या यहाँ पे रहा सा जा सकता है, क्योंकि ना तो बहुत गर्मी ना बहुत ठंड, एक बीच में, या चांद है, बहुत गर्मी बहुत ठंड नहीं है, तो वो भी गोल्डी लॉक जोन में आता है, ठीक है ना। जब उस जोन से बाहर चले जाएंगे तो लाइफ कैनॉट एग्जिस्ट, राइट। तो अब हम उस जोन के एक किनारे में आ गए, अर्थ में रहते हुए, अर्थ में रहते हुए जुपिटर में जितनी गर्मी होनी चाहिए लगभग उस तरफ बढ़ते जा रहे हैं हम, राइट, यूं मानिए, राइट। तो हम एक टेम्परेचर तक आपका बॉडी रेगुलेटरी सिस्टम है टेम्परेचर का, जिस तरह से आप अपने घर के एसी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, बॉडी आसपास के तापमान को देखते हुए अपने तापमान को एक लेवल में मेंटेन कर सकता है। 40 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं, 104 डिग्री सेंटीग्रेड तक के बीच में मेंटेन कर सकता है, कि भाई इससे ज़्यादा अगर बाहर का टेम्परेचर होगा भी तो बॉडी उसको मेंटेन करेगा। लेकिन अगर टेम्परेचर एक लेवल से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो बॉडी मेंटेन नहीं कर पाएगा, बिकॉज बॉडी का जो थर्मोस्टेटिक बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर कंट्रोल मैकेनिज्म वो ही अपने आप में ख़त्म हो जाता है, राइट। तो जिस तरह से जब गाड़ी चलाते हैं तो इंजन गर्म होती है, लेकिन आपका रेडिएटर उसको ठंडा भी करता है, लेकिन अगर एक लिमिट है रेडिएटर के भी ठंडा होने कराने का, वो लिमिट क्रॉस हो जाएगा तो रेडिएटर भी हेल्प नहीं कर पाएगा, तो इंजन सीज हो जाता है। तब आप बोलते हैं गाड़ी गर्म होगी ठंडा होना, तो तब बोलते हैं गाड़ी में पानी फेंको और उसको ठंडा करो तभी आप वो चलेगा, करते हैं ना। तो सेम इज़ ट्रू फॉर द ह्यूमन बॉडी ऑल्सो, फॉर दैट मैटर सेम इज़ ट्रू फॉर एनी एनिमल्स, एनिमल इवन प्लांट्स। तो ये दिस इज़ हीट वेव, राइट। और रहा सवाल आपने जो पूछा हीट वेव क्यों हो रहा है, इसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, पूरा ग्लोब गर्म होता जा रहा है हर बार। गर्म क्यों हो रहा है, क्योंकि जो गर्मी है वो ट्रैप करने के लिए जो गैसेस हैं वो गैसेस बढ़ते जा रहे हैं। वो कौन कौन से गैसेस हैं, एक गैस तो वो है जो इस वक्त आप और मैं दोनों प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में हीट एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी होती है, हीट को मेंटेन रखने की कैपेसिटी होती है, तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ज़्यादा हीट संरक्षित रहेगा और ज़्यादा गर्मी बनी रहेगी, राइट, नंबर वन। नंबर टू, इससे भी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग केमिकल है CH4, मीथेन। अब हम जिंदा है तो खाएंगे भी खाना, खाएंगे तो डाइजेशन प्रोसेस भी होगा, हम हो या एनिमल हो, तो उससे मीथेन बनता है, जो ऑटोमेटिक प्रोसेस है।
तो मीथेन की मात्रा को बहुत बढ़ा दिया जाए तो वो मीथेन भी गर्मी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है, यानी गर्मी को डिसिपेट नहीं होने देता, उसको रोक के रखता है एटमॉस्फेयर में। तो इंसान की पॉपुलेशन 800 करोड़ तो है ही है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंसान करीब 350-400 करोड़ तो जानवर खा जाता हर साल, भेड़ बकरी और गाय भैंस और सुअर 5000 करोड़ तो चिकन खा जाता है, उसके अलावा बाकी और छोटे मोटे जानवर और भी हैं। तो मेरे कैलकुलेशन हिसाब से 800 करोड़ रुपए लोग में अगर हैं तो हर एक हिस्से में एक गाय बराबर जानवर साल में एक बार खा लेता हुआ पूरे साल भर में। एक गाय 500 केजी का होता है, लेकिन उसमें जो जो निकालते हैं मीट वो 100 केजी का होता है, बाकी हड्डियाँ वड्डियाँ होता है वो तो कोई खाता नहीं है। तो इसका मतलब उस तादाद में हर साल उतने एनिमल्स अननेचुरल तरीके से हम प्रोड्यूस भी तो कर रहे हैं, फिर उसको खिला पिला रहे हैं, घास वास जो भी खिला रहे हैं, तो वो घास उगाने के लिए हम नेचुरल रिसोर्स को वेस्ट कर रहे हैं। तो इससे वो जानवर जितना हर साल प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि अगर हम नहीं खाते वो नॉन वेजिटेरियन, तो वो जानवर हम प्रोड्यूस नहीं करते, वो तो कैद करके ज़बरदस्ती हम इन्फ्यूज करके उसको बच्चा पैदा करवा रहे हैं। नेचुरली जानवर उतने बच्चे नहीं पैदा कर सकता, तो हमें इसलिए बच्चा पैदा करवाना है बिकॉज हमें उसको खाना भी है इंसान को, राइट, इंसान वॉन्ट टू ईट इट। तो ज़्यादा जानवर अगर प्रोड्यूस हो जाएंगे तो ज़्यादा मीथेन गैस, ज़्यादा CO2 भी उस हिसाब से प्रोड्यूस होगा, और उससे दैट इज़ कंट्रीब्यूटिंग 40%। बाकी जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, जो डीजल पेट्रोल, वो तो है ही है, लेकिन उसका प्रतिशत कम है। और सबसे ज़्यादा प्रतिशत 40% तो सिर्फ एक कारण है, द फूड वी चूज, राइट। ये बात आज से 14 साल पहले यही सोच के मैंने DIP डाइट को डिज़ाइन किया था, राइट, कि DIP डाइट पे रहेंगे तो जाहिर सी बात है ना तो एनिमल फूड आप लेंगे ना डेयरी प्रोडक्ट लेंगे। जब डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं तब भी तो एनिमल को प्रोड्यूस करते हैं ना, बिना एनिमल का डेयरी प्रोडक्ट कहाँ से होगा। उसी एनिमल को जब वो दूध देने लायक नहीं रहता, उसी को काट के इंसान खा जाता है, अल्टीमेटली खा ही जाता है ना। और अगर बैल आएगा बच्चा तो उसको भी खा ही जाएगा इंसान, कई जगह तो घोड़े भी खाते हैं, राइट। तो इस तरह से है, तो इंसान का जो बिहेवियर है उसकी वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और ऐसे ही 2-2 डिग्री बढ़ता जाएगा तो जिस तरह से विलुप्त प्राणी हो जाते हैं, डायनासोर वगैरह भी हुए, तो कोई आश्चर्य नहीं है कि आप बच पाएंगे। और जो लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास तो AC है, आप तो जानते हैं कि AC भी आप काम नहीं करते, AC में भी आग लग जा रही है ना, तो इनकी भी अपनी एक लिमिट है। उसके बाद आप और जो लोग गरीब हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, बिल्कुल सेम हो जाएगा, वो लोग तो फिर भी रह लेंगे क्योंकि उनकी बॉडी की एक आदत है जो गर्मी सहने की, एक ताकत उनके पास क्योंकि वो सहते आए हैं। लेकिन बाकी लोग जो नॉर्मल बिल्डिंग्स में रहते हैं वो बड़े फ्रेजाइल हैं, राइट, उनको अगर बोलो 1 मिनट अब धूप में आ जाओ तो 1 मिनट में बेहोश हो जाएगा वो, राइट। जबकि आज अभी इस वक्त भी अभी दोपहर के 2 बजे हैं, अभी भी आप जाएंगे मजदूर काम कर रहे होंगे, है ना। तो ये समझना पड़ेगा आपको कि जो डिस्ट्रक्शन का कारण हम खुद ही हैं, और उसका जो 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 उस प्रॉब्लम को झेलना भी सबसे पहले उन्हीं इंसान को करना पड़ेगा जो लग्जरी में रहते हैं, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा फ्रेजाइल है। तब ना तो आपको पैसे बचाएगा, ना तो आपको AC बचाएगा, ना कोई हॉस्पिटल इसका कोई इलाज कर पाएगा। देन जो भी हमने प्रकृति के खिलाफ किया है दैट इज़ कमिंग बैक। तो ये तो है सारा मामला जो मैंने आपको सार में बताया। सर ये तो प्राकृतिक चीज़ है, अब गर्मी को तो रोका नहीं जा सकता है किसी भी कीमत पे। अब हम जितने पेड़ काट चुके हैं अगर उसे वापस लगाने लग जाए तो सालों लग जाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं, क्या लोग ले? प्रिवेंटिव मेजर ये इमीडिएट मेजर ही हो सकता है जो आज से ही काम करे, ताकि आपका जो रेजिस्टेंस टू हीट वो बढ़ जाए, आपका जो एक थर्मोडायनेमिक्स है बॉडी का वो ज़्यादा स्ट्रांग हो, ताकि धूप से आपको उतना असर ना पड़े, गर्मी आप टॉलरेट करने की क्षमता बढ़ जाए। एक ही बदलाव करना है, DIP डाइट, जो इस चैनल में कई बार हमने बताया है, या आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो DIP डाइट के हज़ारों वीडियोस हैं, हज़ारों लोगों ने, लाखों लोगों ने DIP डाइट के, उसमें हज़ारों लोगों ने वीडियोस बनाए ताकि आप लाखों लोगों तक पहुँचे। जैसे ही आप DIP डाइट में ट्रांजिट करते हैं तो एक तो डेयरी प्रोडक्ट एनिमल फूड उसमें है ही नहीं, दूसरा उसमें ज़्यादातर फल और कच्ची सब्जियों का सेवन है एक मेजर पार्ट। तो याद रखिए फल कच्ची सब्जी में 80-90% पानी होता है, और जब आपकी जो धूप के अगेंस्ट रेजिस्टेंस बढ़ेगी, जब आप लिविंग वाटर लेंगे, लिविंग वाटर या तो झरने का पानी मिलेगा या फल सब्जी में जो पानी ट्रैप्ड है कोकोनट वाटर में, दैट इज़ लिविंग वाटर। तो आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आप DIP डाइट को अपनाओ, पहले तो उसको सर्च करो, देखो क्या है DIP डाइट, अपनाओ, और साथ में DIP डाइट प्लस कोकोनट वाटर 1-2 टाइम्स अ डे,
कोकोनट वाटर जो है वो प्री डाइजेस्टेड फॉर्म में वाटर है, जिसमें वो सारे विटामिन, वो सारे मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, सारा कुछ है जो इंसान के हर नीड को पूरा करते हैं। इट इज़ अ कम्प्लीट फूड, नाम सिर्फ वाटर है उसका, लेकिन वो कम्प्लीट फूड है। पानी के अलावा उसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट हैं, जो यानी कि सिर्फ कोकोनट वाटर पे भी पूरी ज़िंदगी निकाल सकते हैं। माँ के दूध के बाद जो बेस्ट न्यूट्रिशंस अगर कोई फूड है, दैट इज़ कोकोनट वाटर। तो इस गर्मी के मौसम में दिन में दो बार आप कोकोनट वाटर भी पियो, ताकि आपकी रेजिस्टेंस बढ़े, ताकि आप टॉलरेट करने योग्य हो जाओ, उसका एडवर्स इफेक्ट से आप बच पाओ। कई लोग बोलते हैं कोकोनट वाटर इतना महंगा है, आपकी जान से ज़्यादा कीमती नहीं है, और जितना नुकसान आप कर बैठे नेचर का, तो थोड़ा तो अब वो जो महंगा है भी, तो वो पैसा किसके पास जा रहा है? बेचारे किसान के पास जा रहा है, जिसने उसको प्रोड्यूस किया होगा, राइट? ना कि आप बीमार पड़ जाओ, फिर ज़बरदस्ती कोई आपको हॉस्पिटल ले जाओ, उससे अच्छा कि प्रिवेंटिवली जो मैंने आपको बताया ये कर लें। और इसके अलावा जब भी आप सड़क पर निकलें, आप बड़ा सा बॉटल पानी का रखें, और पानी हर 20 मिनट में घूंट बाई घूंट पीते रहें। जितना पानी लॉस्ट होगा नेचर को बिकॉज ऑफ द हीट, उतने को रिप्लेस करते जा रहे हैं, रिप्लेस करते जा रहे हैं, तो एक बैलेंस मेंटेन होगा। ये छोटी छोटी बातें करेंगे तो कोई आप मतलब यू विल बी एबल टू कैरी ऑन। सर, एक चीज़ देखी थी, एक वीडियो देखी थी मैंने कोकोनट वाटर को लेकर। उन्होंने उस वीडियो में कहा गया था कि हर दिन कोकोनट वाटर जो है नहीं पीना चाहिए, इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ऐसा कुछ है? देखिए, ज़्यादातर जो नोटोरियस डॉक्टर्स हैं, राइट, जो किडनी पेशेंट को कोकोनट वाटर नहीं पीना चाहिए, राइट, हार्ट पेशेंट को नहीं पीना चाहिए, इस तरह के डायबिटीज़ वालों को नहीं पीना चाहिए, इस तरह का वो भ्रम फैलाते हैं। अच्छा। उन्हीं से पूछो, भाई आप सबूत तो दिखा दो एक, वो बोलेंगे इसमें हाई पोटेशियम होता है। दुनिया में भगवान का बनाया हुआ ऐसा कोई प्लांट बेस्ड फूड बताओ जो जिसमें हाई पोटेशियम नहीं होता। टमाटर में होता है, सेब में होता है, आम में होता है, केले में होता है, पालक में होता है, सब में ही होता है। लो पोटेशियम किस में होता है? जो इंसान ने बनाया, बिस्किट है, ब्रेड है, नमकीन है, कोल्ड ड्रिंक है, पिज़्ज़ा है, बर्गर, उसमें लो पोटेशियम होता है। तो वो ये प्लीज देते हैं कि हाई पोटेशियम डाइट नहीं लेना चाहिए, कोकोनट वाटर में हाई पोटेशियम है। इनफैक्ट सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भगवान के होना है हाई पोटेशियम, दैट इज़ नीडेड बाय द बॉडी। बट जब खाते हैं तो वो पोटेशियम ब्लड में नहीं जाता, वो स्टमक में जाता है। अगर बॉडी में पोटेशियम की ज़रूरत नहीं है तो स्टूल में चला जाएगा, वेस्ट चला जाएगा वो, है ना? ज़रूरत है तो ही बॉडी में जाएगा। तो जिन चीज़ों से आप ठीक हो सकते हैं, आपने गौर किया होगा, ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ये जो लॉबी है, उन्हीं चीज़ों को आपसे दूर करने की कोशिश करती है। जितने ज़ोर शोर से डॉक्टर बोलता है कि कोकोनट वाटर नहीं पीना चाहिए, क्या उतने ज़ोर शोर से वो पैक्ड फूड के लिए बोलता है बर्गर नहीं खाना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए? नहीं बोलता है, क्योंकि वो जो कोकोनट वाटर है वो आके आपको टेबल के नीचे पैसे नहीं देगा। जबकि ये बर्गर वाला, पिज़्ज़ा वाला, इनके फार्मास्यूटिकल लॉबी से टाई अप है, आपको पैसे पहुँच रहे हैं। तो जनता भी उन पर विश्वास करती है, मिस एजुकेशन करती है। तो जनता को, अब तो इंटरनेट के ज़माने में यू कैन सर्च फॉर जर्नल्स, या डॉक्टर से पूछ सकते हैं, आपने ये खाने को मना किया, इसका कोई रिसर्च पेपर तो ला के दो। इसके विपरीत जो मैंने बोला, इसका रिसर्च पेपर आप मुझसे ही मांग सकते हैं। तो वो आप मेरी किताब पढ़िए, द फिश टैंक मॉडल फॉर हार्ट केयर, इसको पढ़ेंगे तो किसी न किसी पेज में आपको जो मैंने एक्सप्लेन किया उसके जुड़े हुए रिसर्च पेपर आपको मिल जाएंगे, जो पोटेशियम एक्सेट्रा जो बात मैंने बताई है ना। तो सबूत जिसके पास है उसकी बात मानिए, एविडेंस बेस्ड। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये थी पूरी जानकारी हीट वेव को लेकर। और जैसे आपके मन में लगातार सवाल ये थे कि गर्मी जो बढ़ रही है उससे प्रिवेंशन क्या क्या हो सकते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में जो है इसके खास प्रोग्राम में चर्चा हुई है। और प्लीज़ वो सभी प्रिवेंशन लीजिए, और ज़रूरत अगर है तभी बाहर जाइए। अपने आप को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस बढ़ती हुई गर्मी में। और ऐसे तमाम खबरों के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।